रखा है। तो भाई लोकेशन कितनी मस्त है, हमारे स्वागत के लिए बैठे हैं भाई कि यहाँ पे राइडर आने वाले हैं बहुत बड़े बड़े। हम वही यहीं पर हैं और ये पुल के नीचे खाई देखो भाई, सब पेड़ों के अंदर ना शायद देवी देवताओं का वास है। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी, उम्मीद करता हूँ भाई सभी बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो मैं आज फिर से एक और राइड पे जाने वाला हूँ, छोटी सी राइड ही है आज की। तो आज जाने वाले हैं हम एक मंदिर जाने वाले हैं, तो आपको व्लॉग में लग जाएगा पता, व्लॉग में बने रहो। और अगर अभी तक आपने पिछला व्लॉग भी नहीं देखा ना, पिछले व्लॉग में चले जाओ, लाइक शेयर कमेंट भी कर दो भाई। तो चलते हैं आज अपना योद्धा को निकालते हैं भाई, और थोड़ा बहुत आप करते रहेंगे लेकिन बातें आगे आइए। सो गाइस, हम पहुंचने वाले हैं अभी, मतलब 15-20 में एंटर हो चुके हैं और फिलहाल आपको थोड़ा बहुत इंट्रो करवा लेते हैं आज कौन अपने साथ है। डेली की तरह हर व्लॉग में जो मेरे साथ होते हैं गोली भाई, वो मेरे साथ आज ही वही है। और इतने दिनों से जो अपना बाइक को मैंने निकाला नहीं भाई कहीं घुमाने, तो मैं सोचा उसको घुमा के आ जाते हैं थोड़ा बहुत। तो आज हम निकले हैं 15-20 घूमने, 15-20 सरपारा। इस एरिया में जब भी ना बादल फटते हैं ना, तकरीबन 2-3 किलोमीटर तक कंटिन्यू फटते हैं, मतलब नीचे पहाड़ में ऐसे 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 करके। चट्टानों में जितना भी आपको दिख रहा है ना भाई, ये है नेचुरल वाला शिलाजीत। वो देखो भाई, वहां पे झरना है, वाटरफॉल है भाई वहां पर अपना एक। वो देख रहे हो वाटरफॉल, आजकल इतना कम है ना भाई, ये ऐसा लग रहा है कोई चुल्लू पर पानी गिरा रहा है ऊपर से। वो देखो भाई पीछे बर्फ ही है अभी भी भाई, ये पता नहीं यही रोड जाता है सरपारा के लिए या फिर कोई और जाता है, ये कहाँ तक जाता होगा भाई। चलो इसी में जाएंगे हम आगे तक फिलहाल। वो देखो गाइस, हल्का फुल्का वाटरफॉल। सो गाइस, वाटरफॉल के सामने भी अपनी दोनों एडवेंचर बाइक्स लग गई है और सामने देखो भाई, मतलब नेक्स्ट लेवल वाला ही व्यू है यहाँ से। और वो दिख रही है आपको वहाँ पर, उसमें ना मतलब कि जैसे वहाँ पे घर है, वहाँ पे रोड वगैरह कुछ भी नहीं होगा ना, तो वहाँ के लिए यहाँ से स्पैन करते हैं, मतलब सामान कोई भी, जैसे कुछ भी सामान होगा ना जाने के लिए तो इसमें ले जाते हैं वहाँ के लिए, और यहाँ के लिए आता है भाई ये सिस्टम। वैसे बहुत ही ज़्यादा कम गाँव में रह चुका है। यहाँ से तो भाई सैडलिंग करते करते ही जाना पड़ेगा। अब ये वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस रोड में आता है भाई, बाइक की वाट लग चुकी है भाई इतने ऑफ रोड में भाई। दूसरे गियर डालने की गलती ही नहीं करनी पड़नी इसमें, बहुत ही ज्यादा खराब रोड है। वो देखो गुल्लू भाई तो बहुत ही पीछे ही, तो इतने आराम से चले हुए ना भाई, मेरे को भी थोड़ा आराम से चढ़ना पड़ना। वो देख रहे हो पीछे, ऐसा लग रहा है वापस मनाली आ गया यार, पता नहीं कहां तक ये रोड खराब होगी यार। वो देखो वहां भी वाटरफॉल, यहाँ देखो छोटी सी चट्टान भाई। मेरे घर वाले देखेंगे ना इस ब्लॉग को, मेरी तो भाई वाट लगने वाली है आज। वो देखो भाई, पर गोली भाई ने साइड होकर निकाली, मैंने प्रॉपर मजा लिया भाई। चलो फिर आगे, तो फर्स्ट वाटर क्रॉसिंग हमने पार कर लिया भाई। क्रेजी सीन भाई, रोड भाई मेरे को लग नहीं रहा भाई कहीं से पक्का होगा ये रोड। स्कूटी वगैरह चलती होगी ना भाई इसमें, कोई नई स्कूटी ले लो, एक दो महीने में ना ख़त्म हो जाएगी स्कूटी अगर हमारे पास आ जाए हमारे गेड़े में।
चलाने वाला तो भाई चला लेता आराम से, पर हमने इसीलिए तो ये बाइक ली हुई है एडवेंचर बाइक्स घर कहीं से निकाल उछाल उछाल के। स्पोर्ट्स बाइक भी अच्छी होती है पर उसका शौक नहीं है, बस कभी कभी मिल जाता है चलाने के लिए दे देता है। ये देखो भाई वाओ नेक्स्ट लेवल रोड। चट्टानों के नीचे से रोड है वो देखो ही सामने। ये रोड आपको पता है कहाँ कहाँ देखने को मिलेगी, जहाँ तक कि मेरे को जहाँ जहाँ मैंने तो देखी है, काशापाट में देखी है, किन्नौर में देखी हुई है और फिलहाल यहाँ देख रहा हूँ मैं आज। वो भाई पता ही नहीं लगा बात करते करते कब हम पक्के रोड में आ गए। वो तो भाई कच्ची रोड है एकदम, कब होगी पक्की पता नहीं। इन रॉक्स को तोड़ के ना यहाँ पे टनल जैसी बनाई हुई है नीचे से रोड। भाई ये देखो कहाँ पहुँच गए भाई हम भी घुमक्कड़ लोग हैं ना यार। ये देखो ऊपर से ऐसा है, नीचे से ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। मस्त जगह है भाई, मस्त डेंजर रोड एकदम डेंजर। फिलहाल हमारा दोस्त हमें रुकने को बोल रहे हैं यहाँ पे, किसी को पूछते हैं भाई गांव में। कोई तो आ जाओ बाहर यार, कोई गांव, पूरे गांव में क्या कोई रहता ही नहीं है क्या? शायद हम गलत आ गए यार। भाई बंदे ने पार्किंग कितनी अच्छी रखी बना के ना, बड़ी प्यारी सी लग रही है। ब्रो सरपारा इधर को है, ऊपर को कितना दूर होगा यहाँ से? 5। हेलो इधर को आओ आओ, यहाँ पे क्या बोलते भाई? शूरा सुगा। ओके ओके भाई, सो हम एकदम सही रोड में चले गए भाई अभी तक। सोगा सोगा बोलते भाई इस गांव में। तो एक भाई अंदर बैठा हुआ था कमरे, ये आंटी जी कैसे दिख रही है हमको, कैसे दिख रही है, कैसे दिख रही है, कैसे दिख रही है भाई। यहाँ पे भी एकदम ऐसा है जैसे पीछे दिखा था ना, सेम वहीं पे, सेम वही यहीं पर है। हम पहुंच चुके हैं और ये पुल के नीचे खाई देखो भाई साहब, खाई नहीं भाई कुआं है, कुआं। सो गाइस सरपारा हम पहुंच चुके हैं और यहाँ देखो भाई लोकेशन कितनी मस्त है। तो यहाँ पे भाई सौर है देखो भाई, हमारे स्वागत के लिए बैठे हैं भाई यहाँ पे राइडर आने वाले हैं बहुत बड़े बड़े। जैसे भी हम सौर देख के आ चुके हैं और अब जा रहे हैं मंदिर देखने। सो ये वाला लिंक रोड सा है, मैं फ़ोन को नहीं लगाऊंगा माउंट में क्योंकि यार इसमें टाइम लग जाएगा, क्योंकि मंदिर थोड़ा ही है, बाकी आपको रोड की हालत दिखा देंगे थोड़ी बहुत। तो भाई चलो चलते हैं। यहाँ देखो भाई सामने दो पेड़ है और इन पेड़ों के अंदर ना शायद कोई देवी देवताओं का वास है। और भाई इन पेड़ों की भाई इतनी ज़्यादा चौड़े हैं ना भाई, ना बहुत ही ज़्यादा चौड़े हैं, दोनों पेड़ बहुत चौड़े चौड़े हैं। और भाई मतलब कि एकदम मस्त वाला गांव है। तो आपको थोड़ा दूर से दिखाते हैं भाई, ये देखो भाई
और भाई उस पार साइड को देखो भाई, मतलब कैंपिंग करने के लिए एकदम मस्त जगह है, एकदम सही जंगल है भाई। तो चलते हैं मंदिर की ओर, बाइक सबने यहाँ लगा दी है भाई। सरपारा गांव के अंदर हम पहुंच चुके हैं और यहाँ देखो भाई मंदिर, इतना सही मंदिर है यार। भाई मतलब की लोकेशन देखो यार, सामने कितना मस्त दिख रहा है और मंदिर भाई किस जगह पे बना हुआ है। वो देखो भाई एक पुरानी कोठी है यहाँ पर, सही में भाई एकदम मस्त जगह है यार। ठीक आए तूने छड़ी ही मार को यार। पर हम ऊपर को चढ़ेंगे, ऑफ रोड करेंगे हम ऊपर से ऊपर से। वो गाय यार इसका बच्चा है यहाँ पे दारू। देखो भाई मंदिर एकदम सही मंदिर है यार, एकदम बहुत ही ज्यादा अच्छा है। पर मंदिर अभी बंद करके रखा है यार, ताला लगा हुआ है यहाँ पे, तो बाहर से दर्शन लेते हैं। और भाई सामने का व्यू मंदिर का ये है, कुछ बहुत ज्यादा अच्छा मंदिर है। चलो भाई चलते हैं आगे, आगे फोटो फोटो लेते हैं यार अपन। हम तो यहाँ पे आ गए इस मंदिर में, अब बारी आपकी है तो आपको आना पड़ेगा यहाँ पर जरूर। और भाई कमेंट कर देना तो जरूर यहाँ पे आएंगे ना, कमेंट भी कर देना, पहले कर देना। की बल्कि हिस्ट्री यहाँ पर है भाई, देख लो पढ़ लो। सबसे बड़ा बोंडा नाग है वहाँ, वो तो माऊ नाग राई नाग मंदिर से भी हम आ गए वापस। और अब हम वापसी की ओर जा रहे हैं, तो अब हम फोटो शूट करते करते जाएंगे भाई, और आपको भी छोटे मोटे शॉट्स दिखाएंगे और भी बढ़िया बढ़िया व्यू के। तो फिलहाल यार गाइस हम वाटरफॉल के पास वापस पहुंच चुके हैं, और भाई रोड नीचे बहुत खतरनाक है, बहुत ही ज़्यादा, कभी मैं एक हाथ से चल रहा हूँ इस ऑफ रोड में। तो उम्मीद करता हूँ भाई आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो भाई लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करो, और ब्लॉग में जो भी कोई गलती हो रही है ना भाई आप मेरे को कमेंट में बता दो, तो अगली बार ब्लॉग में वो गलतियाँ नहीं होगी। तब तक के लिए ब्लॉग को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दो, और मिलते हैं अपने ब्लॉग के साथ।